दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 10 जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, जो यूनिट 3 का फर्स्ट लेसन है, का पार्ट 1 शुरू करने। आज हम प्रकाश संश्लेषण का इतिहास और प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसे कहते हैं ये जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण का इतिहास जानने से पहले हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो प्रकृति की मुख्य जैव रासायनिक क्रिया है। मुख्य जैव रासायनिक क्रिया मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन। क्यों है मुख्य जैव रासायनिक क्रिया? क्योंकि इस क्रिया पर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, जो पौधे होते हैं वो भोजन या फिर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और जो सभी सजीव होते हैं वो उसी पेड़ पौधों द्वारा जो निर्मित उत्पाद होते हैं यानी शर्करा या ग्लूकोज उस पर आश्रित होते हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा उत्पाद बन गया जो ग्लूकोज के रूप में होता है, इसे हम पादपों का भोजन भी कहते हैं। इस ग्लूकोज पर जो सभी सजीव होते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। जैसे हिरण या जो बकरी है वो पेड़ पौधों से सीधे भोजन प्राप्त करती है, प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर निर्भर रहती है। लेकिन जो कार्निवर्स है जैसे शेर और चीता है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर ही निर्भर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शेर और चीता हिरण और बकरी पर निर्भर होते हैं, और ये हिरण और बकरी प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर सीधे प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। तो जो शेर और चीता है यानी कार्निवर्स जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो जल अवशोषित किया जाता है यानी कि मृदा जल का ऑक्सीकरण होता है। मृदा जल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और अपचयन किसका होता है? जो पौधे CO2 ग्रहण करते हैं उसका, CO2 का अपचयन होता है और ग्लूकोज यानी भोजन का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है? H2O का ऑक्सीकरण होता है जिससे O2 का निर्माण होता है। अपचयन में क्या होता है? जो CO2 पादप जो CO2 ग्रहण करते हैं उसका अपचयन होकर ग्लूकोज यानी भोजन का निर्माण हो जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए जो पादप होते हैं वो जल को मृदा जल के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन अपचयन के लिए जो CO2 ग्रहण करते हैं वो जो स्थानीय पादप होते हैं, स्थलीय पौधे तो CO2 को सीधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, लेकिन जो जलीय पौधे होते हैं यानी प्लावी जलोद्भिद पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? CO2 को घुलित अवस्था में, जल में घुलित अवस्था में करते हैं, क्योंकि वो वायुमंडल के संपर्क में नहीं रहते हैं। जो जलीय पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? CO2 को जल के रूप में घुलित अवस्था में CO2 को ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है परिभाषा, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा क्या होती है। पौधे जो होते हैं वो जल प्रकाश परणहरित क्लोरोप्लास्ट और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट या फिर शर्करा या जो भोजन पादप भोजन होता है भोजन या फिर ग्लूकोज का निर्माण करें, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो इसमें आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं? जल प्रकाश
अपहरण हरित और CO2। अब इसकी अभिक्रिया देखें तो कैसे होगी, जैसे पादप जो होते हैं वो CO2 को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, मृदा जो जल है वो मृदा जल के रूप में ग्रहण करते हैं, और इस अभिक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक चाहिए, सूर्य का प्रकाश। और क्लोरोप्लास्ट में यह अभिक्रिया होती है पर्ण हरित में। तो CO2 प्लस H2O उपस्थिति किस किस की होनी चाहिए, सूर्य के प्रकाश की और पर्ण हरित की। और निर्माण किसका होता है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो होता है वो उत्पाद होता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का, उत्पाद क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। और उप उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होते हैं, O2 और H2O। तो अगर इस अभिक्रिया को हम संतुलित करें तो किस प्रकार होगी, 6CO2 मतलब CO2 के 6 अणु प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, पर्ण हरित, इनकी उपस्थिति होनी चाहिए। और निर्माण ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है कितने अणु, 1 अणु ग्लूकोज, 6 अणु O2 और 6H2O। अगर सूर्य के प्रकाश में पर्ण हरित की उपस्थिति में 6CO2 और 12H2O का की अभिक्रिया की जाए तो उसमें 1 ग्लूकोज अणु, 6 ऑक्सीजन के अणु और 6 जल के अणु का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण का इतिहास। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है उससे संबंधित कुछ खोजें की गई थी, उन खोजों के बारे में जानेंगे कि किस वैज्ञानिक ने किस चीज की खोज की थी। तो पहला है स्टीफन हेल्स ने बताया था कि जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ये सूर्य की उपस्थिति, हमने पढ़ा था अभी अभिक्रिया में कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और वायु की उपस्थिति में, क्योंकि CO2 वायु से ग्रहण करते हैं पादप। तो स्टीफन हेल्स ने बताया था कि जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और वायु की उपस्थिति में ही हो सकती है, इसलिए इन्हें स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक कहते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि पादप कार्यकी का, प्लांट फिजियोलॉजी का जनक जो है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, स्टीफन हेल्स। अगला है जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल को शुद्ध करते हैं और O2 का निष्कासन करते हैं। अभी हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करके उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं। तो जोसेफ प्रिस्टले ने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान जो पौधे होते हैं वो O2 का निष्कासन करते हैं और वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। अगले वैज्ञानिक है जेन इंजेन होज। इन्होंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है उसमें ग्लूकोज या उत्पाद का निर्माण होता है, ये कार्बनिक पदार्थ होता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट या शर्करा होती है वो कार्बनिक पदार्थ है। जेन इंजेन ने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। अगले वैज्ञानिक है जीन सेनेबर। इन्होंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। जैसे प्रिस्टले थे उन्होंने तो बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है उसमें उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है उसमें CO2 आवश्यक होती है। तो जीन सेनेबर ने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए CO2 आवश्यक होती है।
अब जीन सेनेबर ने बता दिया कि जो CO2 होती है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है, लेकिन उन्होंने भी नहीं बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल भी आवश्यक होता है। तो अगले वैज्ञानिक है जीन डी सेसर, इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में CO2 के साथ साथ H2O की भी आवश्यकता होती है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, अभी तक क्या क्या हो गया कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में हो गया कि CO2 की आवश्यकता होती है, H2O की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता या वायु की आवश्यकता होती है, और C6H12 बनता है, कार्बनिक पदार्थ बनता है, और O2 जो है वो उत्पाद के रूप में निष्कासित हो जाता है। तो जो अगले वैज्ञानिक है पेलेटियर और क्वेनेटिन, इन्होंने बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है वो पादप के कौन से भाग में होती है, परणहरित, मतलब पादपों में जो हरे वर्णक पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल होते हैं, और यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट यानी परणहरित में होती है। अगले वैज्ञानिक है ड्यूरोचेट, इन्होंने बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण में जो मुख्य अंग होता है परणहरित, उसका मैं तो बताया था कि जो परणहरित होता है वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या क्या कार्य करता है। अगले वैज्ञानिक है जूलियस रॉबर्ट मेयर, इन्होंने बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है उसके दौरान सूर्य की प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। रासायनिक ऊर्जा में कैसे, जो कार्बनिक पदार्थ खाद्य पदार्थ होते हैं मतलब ग्लूकोज होता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश आता है, CO2 का अपचयन होता है। अभी हमने पढ़ा था CO2 के अपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो CO2 का अपचयन किसके कारण होगा, प्रकाश की उपस्थिति के कारण। तो जो सूर्य का प्रकाश है यानी सूर्य की प्रकाश ऊर्जा, उससे CO2 का अपचयन होगा और CO2 ग्लूकोज में बदल जाएगा यानी रासायनिक ऊर्जा में बदल जाएगा। तो जूलियस रॉबर्ट मेयर ने बताया था कि जो प्रकाश की प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, किस रूप में, कार्बनिक खाद्य पदार्थ, ये कार्बनिक खाद्य पदार्थ है ग्लूकोज या शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट। अगले वैज्ञानिक है लिविंग, जूलियस ने क्या बताया था कि जो रासायनिक सूर्य की प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, किस रूप में, कार्बनिक खाद्य पदार्थ में, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि ये जो कार्बनिक खाद्य पदार्थ होता है उसका निर्माण किससे होता है, CO2 से या फिर H2O से। लिविंग ने बताया था कि जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है वो CO2 के जल अपघटन से होता है, मतलब लिविंग ने अपचयन प्रकाश संश्लेषण की अपचयन अभिक्रिया को समझाया था। अगले वैज्ञानिक है एफ ब्लैकमैन ने बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है वो दो चरणों में पूर्ण होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं को हम आगे विस्तार से जानेंगे, अभी हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से जुड़े जो संबंधित इतिहास है उनके बारे में जान रहे हैं। अगले वैज्ञानिक है इमर्सन और उनके साथियों ने जो प्रकाश संश्लेषण में अभिक्रिया में इमर्सन प्रभाव होता है उसको समझाया था, हम इसे भी आगे समझेंगे। अगले वैज्ञानिक है सीबी वॉन नील, इन्होंने बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया था। बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इन्होंने बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन के दौरान पाया था कि जो मृदा जल होता है, पादपों में अवशोषित मृदा जल होता है जो प्रकाश संश्लेषण में एक अभिकारक होता है, मतलब अभिक्रिया में जो अभिक्रिया करता है, तो जो H2O होता है, सीबी वॉन नील ने बताया था कि जो H2O होता है प्रकाश संश्लेषण में वो किसका निर्माण करता है, O2 का, मतलब O2 का निर्माण H2O से होता है, जबकि लिविंग ने बताया था कि जो CO2 होता है उसका निर्माण उससे किसका निर्माण होता है, C6H12 का। तो लिविंग ने तो अपचयन अभिक्रिया बताई थी और सीबी वॉन नील ने प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया बताई थी कि जो मृदा जल होता है, पादपों के द्वारा अवशोषित मृदा जल होता है उसका ऑक्सीकरण होता है और वो उसका ऑक्सीकरण होकर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये जो ऑक्सीजन होती है ये H2O से निर्मित होती है ना कि CO2 से।
अगले वैज्ञानिक है रॉबर्ट हिल। सीबी वॉन नील ने बताया था कि जो H2 होता है उसका निर्माण, जो CO2 होता है उसका निर्माण किससे होता है, H2O के अपघटन से होता है। इन्होंने तो केवल बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में जो O2 होता है उसका निर्माण H2O से होता है, लेकिन रॉबर्ट हिल ने इसे सिद्ध किया था कि जो O2 होता है उसका निर्माण H2O से होता है। इन्होंने हिल अभिक्रिया भी दी थी। हिल अभिक्रिया। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया था कि जैसे ये जो प्रकाश है, प्रकाश की उपस्थिति में जैसे CO2 का अपघटन हो रहा था, अपचयन हो रहा था और ग्लूकोज का निर्माण हो रहा था, इन्होंने ये भी सिद्ध किया कि प्रकाश की उपस्थिति में H2O का जल अपघटन कैसे होता है, H2O का अपघटन कैसे होता है और O2 का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इन्होंने प्रकाशिक जल अपघटन के बारे में बताया था। प्रकाशिक जल अपघटन मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन। अगले वैज्ञानिक है रूबेन एवं कामेन। ये दो वैज्ञानिक है, इन्होंने रेडियो एक्टिव यानी रेडियो सक्रिय समस्थानिक O18-2 का उपयोग करते हुए बताया कि जो H2O का O2 का निर्माण होता है वो H2O के जल अपघटन से होता है। मतलब प्रकाशिक जल अपघटन को इन्होंने सिद्ध किया था कि जो प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन किस प्रकार होता है। इन्होंने समस्थानिक O18-2 का उपयोग किया था और बताया था कि प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन किस प्रकार होता है। अगले वैज्ञानिक है केल्विन और बेंसन। अभी हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कि जो लीबिंग था उसने उसने बताया था कि CO2 से C6H12O6 का निर्माण किस प्रकार होता है, जबकि केल्विन और बेंसन ने C14 समस्थानिक का प्रयोग करके बताया था कि जो CO2 से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इन्होंने केल्विन चक्र यानी C3 चक्र की खोज की। C3 चक्र में क्या था कि CO2 से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किस प्रकार होता है C4 समस्थानिक की उपस्थिति में। तो इन्होंने केल्विन चक्र या C3 चक्र दिया, इसे हम आगे विस्तार से जानेंगे। और इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान जो प्रथम स्थायी यौगिक बनता है वो 3PGA है। इसे भी हम आगे देखेंगे। अभी हम केवल इतिहास के बारे में जान रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कौन कौन सी खोजें की गई थी और किस किन वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। अगले वैज्ञानिक है डेनियल ऑर्गन। इन्होंने प्रकाश फास्फोलीकरण की खोज की और इन्होंने बताया, क्या बताया, दो वर्णक तंत्रों का महत्व बताया। दो वर्णक तंत्र कौन कौन से होते हैं, PS1 और PS2। इसे भी हम आगे विस्तार से जानेंगे कि PS1 क्या होता है और PS2 क्या होता है। वैसे अभी हम आपको बता देते हैं कि PS1 की फुल फॉर्म क्या है, फोटोसिंथेसिस सिस्टम फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस सिस्टम सेकंड। तो डेनियल ऑर्गन ने PS1 और PS2 की के महत्व की व्याख्या की थी कि इनका महत्व क्या होता है। अगले और लास्ट वैज्ञानिक है हेज और स्नेक। ये दो अलग अलग वैज्ञानिक है, इन्होंने उष्ण कटिबंधीय पादपों में C4 चक्र की व्याख्या की थी कि C4 चक्र क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था कि केल्विन और बेंसन ने C3 चक्र की खोज की, अब हम पढ़ रहे हैं हेज और स्नेक ने उष्ण कटिबंधीय पादपों में C4 चक्र की खोज की। इसके साथ ही इन्होंने गन्ने में C4 चक्र की खोज की। आगे हम प्रकाश संश्लेषण का स्थल अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।